सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम पहले की तरह टू व्हीलर पर घूमने निकले, क्योंकि अब तो बड़े बड़े हो गए, कारें आ गई है सबके पास, पहले कार में घूमते हैं। बट आज पहले की तरह बचपन की यादें हम वो कर रहे हैं से। और ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। ये मेरा पूरा स्कूल था, यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। अभी हम लोग पहले की तरह वैसे ही नदी पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे पहले नदी के पास में जाते थे, क्योंकि यहाँ पे डैम होने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ पानी है बांसवाड़ा के आसपास। तो हम लोग वहाँ नदी के पास में बैठते थे जाके, और बहुत मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। खाना पीना हमने सब नाश्ता वगैरह ले लिया है, वहाँ जाके पिकनिक करेंगे अब। और थोड़ा बहुत ऐसे ही फिशिंग भी करते थे कभी कभी, अभी भी वही करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, मस्ती मारेंगे वहाँ पे। और ये देखो, ये काफी पिकअप है, पानी पानी है बांसवाड़ा के आजू बाजू एकदम। ये कल्प वृक्ष है, ये बहुत रेयरली मिलते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों एक साथ बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत कम जगहों पे आपको मिलते हैं। फेवरेट प्लेस पे आ गए, और ये हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं, ये हमारी सबसे फेवरेट प्लेस है, हम वहीं पर ही बैठते थे हमेशा। और ये अभी वहाँ पे सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तो हम जा रहे हैं उस तरफ, चारों तरफ पानी पानी। अभी तो थोड़ा पानी बहुत नीचे चला गया, क्योंकि अभी ठंड हो गई है और गर्मी के मौसम आने वाला है। पर बहुत ही प्यारी प्लेस है, मतलब हम 7th-8th क्लास से यहाँ पे आ रहे हैं, अब तो ये जगह बहुत मशहूर हो गई, इसको चाचा कोटा के नाम से जानते हैं यहाँ पे सब। ये देखो, ऐसी प्लेस है, सही है, ये बांसवाड़ा के पास की सबसे खूबसूरत प्लेस है। ऐसी प्लेस आपको कभी कहीं देखने नहीं मिलेगी। वहाँ पे डैम है, और वो रहा गेमन पुल, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है अब, दिख रहा है, वो गेमन पुल है, वो MP और राजस्थान को जोड़ता है। सो फाइन, बहुत दिनों बाद इस जगह पे आके बहुत सुकून मिल रहा है। पहले हम कुछ भी टेंशन में होते थे या कुछ भी होते थे तो हम यहाँ आ जाते थे भाग के, बस यहीं बैठे रहते थे, बहुत मज़ा आता था। बारिश के टाइम तो इस जगह को देखना मतलब और भी ज़्यादा मज़ा आता था, बारिश के टाइम तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब टापू डूब जाते हैं बिल्कुल पानी के अंदर, अभी तो सब टापू धीरे धीरे बाहर आ गए, इसलिए इस बांसवाड़ा सिटी को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी बोलते हैं। देखो कितना प्यारा सनसेट है, एकदम सुकून है, धीमी धीमी हवा और एकदम शांति से। अभी हम यहाँ पे पिकनिक बनाएंगे, क्योंकि हम खाने की बहुत सारी चीज़ें लाए। बट कितनी प्यारी प्लेस है ना।
हमारे बांसवाड़ा का सनसेट है, और कितना सुंदर लग सकता है सनसेट देखो। एक तरफ पूरा पानी है और दूसरी साइड धीरे धीरे सनसेट होता जा रहा है, और कितना सुंदर लग सकती है कोई जगह, यहीं बस जाओ ऐसा मन करता है। तो अब हम निकल रहे हैं, फाइनली सनसेट हो गया, अब अंधेरा हो गया चारों तरफ और हम वापस घर जा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद फिर से टू व्हीलर पे राइड कर रहे हैं। सोहेल भाई हमारे गाड़ी लेके तैयार। बड़ी लाइट चालू करो भैया, बड़ी लाइट चालू करो। दूर आप जो लाइट्स देख रहे हो ना, वो डैम है, बहुत बड़ा डैम है वो। यहाँ से तो इतना सा दिख रहा है, छोटा सा, पर वो बहुत दूर है, हालांकि इतना दूर है। ये देखो हम जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ऊपर पहाड़ी पे आ गए थे। यहाँ पे कुछ बन भी रहा है, किसी का घर वर, तो हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम इतना लेट जा रहे, नहीं तो हम लोग कभी इतनी देर रुकते नहीं है यहाँ पर, बट आज जल्दी निकल गए। यहाँ से जाना भी थोड़ा सा रिस्की, रोड थोड़ा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने के बाद में कोई रास्ता भी नहीं दिखता है, तो ठीक है अब जा रहे हैं। व्लॉग बना रहे? हाँ चालू है मेरा व्लॉग। क्या नज़ारा है, सनसेट होते हुए देख रहे हम शाम का। वही जगह इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। रात हो गई, एकदम अंधेरा हो गया यहाँ पे। अभी जा रहे हैं हम वापस घर पे, जैसे ही सनसेट हुआ इतना अंधेरा हो गया एकदम सब जगह, और अच्छा लग रहा है देखो, पिंक पिंक और पर्पल पर्पल, क्या लग रहा है एकदम नजारा है। हाँ हाँ, तारे, ओरियन बेल्ट भी एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से। अब यह ढाबा हमारा रोज का अड्डा बन गया, दूसरा घर हो गया ये हमारा, बिल्कुल नया अड्डा है। रोज यहीं आके बैठ जाते हम रात को, सारे के सारे, रोज का हो गया। घर पे तो खाना ही बंद कर दिया हम लोगों ने, घूम फिर के यही आ जाते हैं। सो अभी मैं वापस घर आ चुका हूँ, और आज मैं जहाँ गया था वो मेरे घर से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वो प्लेस, चाचा कोटा नाम है उसका। और बहुत ही मज़ा आया दोस्तों के साथ, आज बहुत टाइम बाद वहाँ गया मैं। पहले तो बचपन में हम हर बार जाते थे, मतलब ऐसे ही टू व्हीलर लेके निकल जाते तो जाते थे, आज इतने दिन बाद टू व्हीलर पे गए, हमारी हालत ख़राब हो गई। पर नहीं, मज़ा आया बहुत, हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ बैठे, बहुत शांति से खाए वगैरह, पिकनिक बनाए थोड़ा छोटा सा, फिर वापस आए और फिर ढाबे पे गए, वहाँ पे खाना वाना खाया और फिर अब वापस आ गए घर पे। सो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर।